दोस्तों, जीरो एंड वन क्या है, कैसे कंप्यूटर जीरो एंड वन में यानी बाइनरी लैंग्वेज में डेटा को प्रोसेस करता है। आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि कैसे कंप्यूटर इन दो डिजिट में यानी जीरो एंड वन में डेटा को प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जीरो एंड वन यानी बाइनरी, इसके बारे में तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन जीरो एंड वन में काम करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असल में जीरो एंड वन क्या है? दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को पॉज करके माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें यहाँ पर दिखेंगे तीन रंग, जो होंगे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीन रंगों से मिलकर बनता है एक पिक्सल। पिक्सल्स हर एक डिस्प्ले का सबसे छोटा एलिमेंट होता है जिसके बेस पर डिस्प्ले काम करती है। अगर हम इस वीडियो में देखें कि इसमें कितने पिक्सल्स काम कर रहे हैं तो ये बात डिपेंड करती है वीडियो के रेजोल्यूशन पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इस वीडियो को 360p में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ 480x360, यानी कि इस रेजोल्यूशन में 480 पिक्सल हॉरिजॉन्टल लाइन में और 360 पिक्सल वर्टिकल लाइन में अलाइन है। इन दोनों लाइन की मल्टीप्लाई करके हमें वीडियो के टोटल पिक्सल पता चलते हैं। ये होंगे 480x360 172,800 पिक्सल्स इस रेजोल्यूशन में काम करते हैं। जैसे ही आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसमें पिक्सल्स की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। यानी कि एक पिक्चर में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे वो उतनी ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। सेम यही होता है डिजिटल ऑडियो के साथ भी। अगर हम मेरी इस वॉइस को समझने की कोशिश करें कि हमें आवाज कैसे सुनाई देती है, तो आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन के स्पीकर से निकल रही वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करती है और एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन से आपके ईयर तक पहुंचकर ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ईयर ड्रम इन वाइब्रेशन को सिग्नल के रूप में आपके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है, जिसे आप इस ऑडियो को सुन पाते हो। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी काम को कंप्यूटर कैसे करते हैं, यानी कैसे कंप्यूटर साउंड्स को समझकर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं? जब हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो वहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट होता है पिक्सल, जिसके बेस पर डिस्प्ले काम करती है। और जब हम बात करते हैं ऑडियो की, जो हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में स्टोर है, तो वहाँ पर सबसे छोटी यूनिट होती है सैंपल। और इन दोनों कामों को करने के लिए कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी कोड का, यानी जीरो एंड वन। इसी बेस पर आज हमारी सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है। यानी कि जब भी हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, गेम खेलते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, ये सब पॉसिबल हो पाता है जीरो एंड वन की वजह से ही। जीरो एंड वन इलेक्ट्रिक करंट की दो ऐसी वैल्यू है, जहां पर जीरो का अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ और वन का अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट ऑन। अगर हम इसको और डीप से समझे तो अभी के लिए इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये वीडियो जो आप देख रहे हो, मेरी वॉइस जो आप सुन रहे हो, और यूट्यूब के इंटरफेस पर नीचे यहाँ पर है टाइटल वर्ड, व्यू नंबर्स और सब्सक्राइबर नंबर्स। अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कि इन सब डेटा का जीरो एंड वन से क्या मतलब है। दोस्तों, सिंपली किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को काम करने के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट के बिना हम इनको चला नहीं सकते। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए लगाए जाते हैं ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन का सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। जिन नंबर्स को हम बाइनरी कहते हैं, असल में वे ट्रांजिस्टर ही है, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करना या फिर ब्लॉक करना। इसको हम जीरो एंड वन के रूप में भी डिनोट करते हैं या फिर एक सिंगल बीट के रूप में भी डिनोट करते हैं, जो डिजिटल डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये 8 बिट एक बाइट बनाती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में 1024 KB यानी किलोबाइट होती है। और ये 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाती है, यानी 1 GB। ऐसे आगे भी है टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट ETC। पर क्या आपको पता है कि अगर आपके फोन की स्टोरेज 64 GB है तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे, यानी इसमें कितनी नंबर ऑफ बिट होंगी? तो 64 GB इक्वल टू होता है 512000000000 बिट के, यानी ट्रांजिस्टर के। इससे हमें पता चलता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की संख्या बिलियंस में होती है और इन ट्रांजिस्टर का साइज 7 नैनोमीटर से 14 नैनोमीटर तक का हो सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो से समझते हैं कि ये कैसे बाइनरी में स्टोर और प्रोसेस हो रही है। जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये कैसे बाइनरी में स्टोर और प्रोसेस हो रही है। इन वर्ड और नंबर्स को भी समझते हैं कि ये कैसे बाइनरी में स्टोर है, यानी कि इस डेटा का जीरो एंड वन से क्या मतलब है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में लाखों पिक्सल्स एक साथ काम कर रहे हैं और इन हर एक पिक्सल के 3 सब पिक्सल होते हैं, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। इनको RGB से डिनोट किया जाता है। इन 3 सब पिक्सल्स में से हर एक को 8 बिट से कंट्रोल किया जाता है,
क्योंकि इन 8 बिट से बनाई जा सकती है 256 अलग अलग बाइनरी वैल्यू, यानी इन हर एक सब पिक्सल्स को 256 अलग अलग वैल्यू पर ब्राइट किया जा सकता है। जैसे रेड के पास होती है अपनी 256 अलग अलग ब्राइटनेस वैल्यू, ऐसे ही ब्लू के पास और ऐसे ही ग्रीन के पास होती है अपनी 256 ब्राइटनेस वैल्यू, जिसे ये सब पिक्सल अपनी अलग अलग ब्राइटनेस पर ब्राइट करके कोई भी कलर बना सकते हैं। दोस्तों ये 256 वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 255 पर। यहाँ 0 का अर्थ है कि सब पिक्सल ऑफ रहेगा और 255 का अर्थ है कि सब पिक्सल अपनी फुल इंटेंसिटी पर ब्राइट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ब्लैक कलर चाहिए तो इसके लिए इन तीनों सब पिक्सल की वैल्यू 0 रहेगी, यानी तीनों सब पिक्सल ऑफ रहेंगे। पर अगर हमें व्हाइट कलर चाहिए तो इसके लिए तीनों सब पिक्सल की वैल्यू 255 रहेगी, यानी ये तीनों सब पिक्सल अपनी फुल इंटेंसिटी पर ब्राइट करेंगे, तभी ये तीनों रंग मिलकर व्हाइट कलर बना पाएंगे। क्योंकि जब हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो तब हमें व्हाइट कलर मिलता है। रेड कलर के लिए रेड सब पिक्सल की वैल्यू 255 होगी और ब्लू एंड ग्रीन की वैल्यू 0 होगी। सेम इसी तरह से ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रे, पिंक, ऑरेंज, पर्पल और हम इन सब पिक्सल की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके हजारों, लाखों और करोड़ों रंग बना सकते हैं। जितने ज्यादा वीडियो में नंबर ऑफ पिक्सल होंगे उतनी ही ज्यादा बिट का यूज होगा, जिससे वीडियो का साइज भी बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा नीड होगी प्रोसेसिंग पावर की। पर यहाँ पर अब बात आती है ऑडियो की, कि कैसे कंप्यूटर ऑडियो को समझता है। या फिर अब आप ये मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये आपके डिवाइस में किस फॉर्म में स्टोर और प्रोसेस हो रही है, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने यूज़ किया है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन वॉइस प्रेशर को मेजर करता है और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पास होकर डिजिटल सिग्नल में बदल दिए जाते हैं। पर दोस्तों असली काम यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी 0 एंड 1 का। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ही इस एनालॉग ऑडियो वेव को बदल देता है 0 एंड 1 की फॉर्म में। पर कैसे? दोस्तों जो भी साउंड हम बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार की वेव होती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इस वेव को कंप्यूटर हजारों लाखों सैंपल में तोड़ देता है। सैंपल यानी मैंने एक सेकंड में जो कहा उसको लाखों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। अवरेज डिजिटल म्यूजिक में 44,100 सैंपल पर सेकंड लिए जाते हैं, यानी 44.1 किलो हर्ट सैंपल। दोस्तों हम टेलीफोन नेटवर्क में 8 किलो हर्ट सैंपल का यूज करते हैं, यानी 8,000 सैंपल पर सेकंड, जो म्यूजिक के सैंपल रेट से बहुत ज्यादा कम है। पर फिर भी हम 8 किलो हर्ट की ऑडियो को क्लियर सुन पाते हैं। जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हम इस ऑडियो को समझ पाते हैं। आप इस इमेज से समझ सकते हो कि 44.1 किलो हर्ट और 8 किलो हर्ट की ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। इसके बाद इन सैंपल को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है बिट यानी ट्रांजिस्टर का, जिनको हम 0 एंड 1 भी कहते हैं। दोस्तों पर नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड के लिए जितनी नंबर ऑफ बिट यूज होंगी उतनी ही ऑडियो क्वालिटी और साइज भी बढ़ेगा। एवरेज ऑडियो में 16 बिट पर सैंपल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि मैंने डॉग वर्ड को रिकॉर्ड किया है तो पहले इसको हजारों सैंपल में डिवाइड किया जाता है, फिर हर एक सैंपल को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ बिट का यूज किया जाता है, जिनको हम 0 एंड 1 में डिनोट करते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पर सैंपल और नंबर ऑफ बिट होंगी ऑडियो क्वालिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। दोस्तों अब समझते हैं कि कंप्यूटर वर्ड एंड नंबर्स को कैसे समझता है। दोस्तों कंप्यूटर वर्ड एंड नंबर्स को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए यूज करता है 8 बिट का, यानी हर एक सिंगल वर्ड और नंबर को 8 बिट से ही स्टोर किया जाता है। इंग्लिश के लोअर केस एंड अपर केस अल्फाबेट के लिए भी अलग अलग कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डॉग वर्ड को छोटे और बड़े अल्फाबेट में लिखते हैं तो कंप्यूटर इन दोनों वर्ड को अलग अलग बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करता है, यानी लोअर केस अल्फाबेट के लिए अलग कोड यूज होता है एंड अपर केस अल्फाबेट के लिए अलग कोड यूज होता है, जिसे कंप्यूटर अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट में डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। पर दोस्तों अब समझने वाली बात ये है कि हम 8 बिट का ही यूज क्यों करते हैं। दोस्तों अगर हम यूज करें पर कैरेक्टर एंड पर नंबर के लिए 1 बिट, तो इस केस में हमें 2 पॉसिबल वैल्यू ही मिलती है, यानी 0 एंड 1। इस केस में हम 2 नंबर्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम यूज करें 2 बिट पर कैरेक्टर एंड पर नंबर के लिए तो वहां पर हमें मिलती है 4 पॉसिबल वैल्यू, यानी 00, 11, 01 एंड 10। इस केस में हम 4 नंबर एंड कैरेक्टर ही स्टोर एंड प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे ही 3 बिट के लिए पॉसिबल वैल्यू होती है 8, 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64 वैल्यू और 7 के लिए 128, यानी 128 कैरेक्टर, नंबर या फिर सिंबल को ही हम स्टोर कर पाएंगे। पर बहुत सारी लैंग्वेज में 128 से ज्यादा सिंबल एंड कैरेक्टर होते हैं, जिसके लिए हमें 8 बिट का ही यूज करना पड़ता है। 8 बिट से 256 अलग अलग बाइनरी वैल्यू बनाई जा सकती है, जिसे हम किसी भी लैंग्वेज के वर्ड एंड सिंबल को स्टोर कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है, असल में 0 एंड 1 क्या है, कैसे कंप्यूटर 0 एंड 1 की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है, तो आप अपना एक लाइक देकर हमें सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।